यूके ट्रिपल एस सी भर्ती में 316 पदों की भर्ती के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो लगातार यहां पर जो है कोर्ट में भी केस चला हुआ था, और यहां पर जो वन दुर्गा भर्ती है उसमें स्थगित भी कर दिया गया था परीक्षा, जिसका फिजिकल होना था 27 अगस्त से। आप यहां पर देख सकते कि वन दुर्गा परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी से रिपोर्ट मांगी थी, परीक्षा एजेंसी रिपोर्ट अब मांगी है। कहा गया है कि वन दुर्गा परीक्षा कराने वाली एजेंसी उत्तराखंड अधीनस्थ निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों के जिस संबंध में रिपोर्ट मांगे हैं, आयोग रिपोर्ट से पता लगाया कि कितने अभ्यर्थियों जो है नकल से पास हुए। तो अब यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों ने नकल से पास करके, यानी कि सेग्रीगेशन अब यहाँ पर हो सकता है कोर्ट के अनुसार। और आयोग 2021 में पहली बार वन दुर्गा भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई थी, और रिजल्ट जारी होने के बाद जो है यहाँ पर नकल की पुष्टि होने पर जो है आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी। और परीक्षा में सफल कुछ अभ्यर्थियों ने के इस फैसले के लिए कोर्ट में याचिका दायर करी थी, और सिर्फ नकल करने वाले अभ्यर्थियों को जो है बाहर किया जाए। हाईकोर्ट में जो है आयोग के साथ परीक्षा एजेंसी और NSEIT को यहाँ पर भी पक्षकार बनाया गया है, और इसमें जो है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो है एजेंसी ने जो है तर्क दिया कि आयोग ने जो है उसे नकल करने वाले जो अभ्यर्थी को जहाँ पर चिन्हित करने का पर्याप्त समय नहीं दिया, तो नकल चिन्हित पर्याप्त समय नहीं दिया गया बताया है, और वो जो है सेग्रीगेशन की प्रथा कर सकते हैं, तो यहाँ का सेग्रीगेशन कर सकते हैं। और परीक्षा में जो है कितने अभ्यर्थियों ने नकल की है इस पर जो है कोर्ट एजेंसी को जो है सेग्रीगेशन कर ऐसे अभ्यर्थियों को जो है चिन्हित कर आयोग को रिपोर्ट सौंपने की यहाँ पर जो है आदेश दिए थे। और सूत्रों में मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर कि आयोग अफसरों की जो है सोमवार को एजेंसी के अफसर के साथ जो है मीटिंग हुई, और बैठक में जो है आयोग ने यहाँ पर जो है एजेंसी से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर मांगी है नकल को लेकर। और अब यहाँ पर जो है आयोग अध्यक्ष जो रावत है उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद जो है एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर गठित की जाएगी, और इसके बाद 10 जून 2023 को यहाँ वन दुर्गा रिपोर्ट नए सिरे से यहाँ पर इसकी लिखित परीक्षा कराई गई थी, और इसके लिए यहाँ पर 16 जून को रिजल्ट हुआ था। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पर अगर सेग्रीगेशन होता है तो जो अभी पेपर करा रखा है वो बेफालतू पेपर कराना हो जाएगा इनका, और पुराने अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिलेगी जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका होगा।